नाम लेते ही दिल और दिमाग में तेल के कुएं छा जाते हैं, क्योंकि ईरान के अलावा सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति सप्लाई करने का दावा करता है। जब ईरान से तेल लेने पर अमेरिका ने भारत को आंखें दिखाई, तमाम प्रतिबंधों का खौफ दिखाया, उस दौरान भी एक अच्छे दोस्त के नाते सऊदी अरब ने भारत का साथ दिया। सऊदी अरब ने भारत को तेल आपूर्ति से जुड़ी हर मसले पर साथ देने का आश्वासन दिया। यूं तो सऊदी अरब में कई हजारों तेल के कुएं हैं, जहां से रोजाना कई बैरिक तेल निकलता है, जो कि भारी मात्रा में विश्व के बाकी देशों में निर्यात होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया को तेल बेचने वाले सऊदी अरब के पास अब कितना तेल बचा है? तो आपको ये बता दें कि ये एक ऐसा सवाल है जो किसी रहस्य से कम नहीं है। बड़े बड़े विशेषज्ञ भी आकलन लगा चुके हैं, जो कि हर बार फिर साबित हुए हैं। लेकिन तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की तरफ से सऊदी के तेल भंडारों को लेकर नई जानकारी दी गई है। संगठन की माने तो सऊदी अरब के पास प्रमाणित तेल भंडार 266 अरब बैरल है, और अगर यह आंकड़ा सही है तो औसतन 1.2 करोड़ बैरल रोजाना खर्च होने वाले तेल के हिसाब से सऊदी का तेल भंडार अगले 70 सालों में खत्म हो जाएगा। और अगर यह आंकड़ा सही है तो आने वाले वक्त में सऊदी अरब से तेल का नामो निशान मिट सकता है। लेकिन ऐसा हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि साल 1987 में सऊदी ने अपना तेल भंडार 170 अरब बैरल बताया था, जिसे 1989 में बढ़ाकर 260 अरब बैरल कर दिया था। यानी कि तेल का उत्पादन कम और बढ़ता रहता है। वहीं जानकारों की माने तो जहां जहां तेल उत्पादन हो रहा है, उसका लेखा जोखा और अनुमानित भंडार सरकार काफी गोपनीय रखती है, जिसकी जानकारी सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही होती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सऊदी का खजाना अभी खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।